आज समाचार के अधिकारी बाबली में शहीदों का श्रद्धांजलि दी गई। उसी क्रम में जागरूक महिलाएं भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। आज इन महिलाओं से पूछते हैं कि ये कितने जागरूक हैं देश के विषय में, शहीदों के विषय में इनका क्या सोचना है। इसी क्रम में सर्वप्रथम स्वाति एक युवा जागरूक लड़की है, समाज की हर उच्च रूप से व्यक्ति है। इन्होंने भी शहीद को श्रद्धांजलि दिया। स्वाति बेटा, आज जो शहीद श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है, इस समारोह में आपने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। आज शहीद श्रद्धांजलि के विषय में आपका क्या कहना है? उनके बारे में पता तो सबको है कि देश की सीमा पर है कि हमारी रक्षा करते हैं, यहाँ पे हम लोग सेफ रह पाते क्योंकि वो अपनी जान की बाजी 24 घंटे लगा के रखते हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि अगर वो अपनी जान हमारे लिए दे रहे तो कम से कम उन्होंने श्रद्धांजलि दे के उनका सम्मान व्यक्त कर सकते। इसी क्रम में एक बहुत उच्च शिक्षित व्यक्ति हमारी दिव्या, ये आपको आज इस कार्यक्रम के विषय में बताएंगे। आज हमने यहाँ पे शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सिर्फ फूल चढ़ाने से श्रद्धांजलि नहीं होती है, कोई एक डे सिलेक्ट हमने कर लिया कि हाँ आज हमारा शहीदी दिवस है और हम श्रद्धांजलि देंगे और उनके प्रति अपनी भावना को व्यक्त करेंगे, लेकिन ये इस तरह से अर्पित कर देने से या हाथ जोड़ देने से श्रद्धांजलि नहीं होती। अभी तो मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ तो कोई ऐसे इनकम वगैरह तो है नहीं, लेकिन सिर्फ फूल चढ़ाने से या कोई कार्यक्रम करने से या सिर्फ भाषण देने से शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं होती। उनके परिवार के लिए कुछ करना या फिर किसी बोझ या दर्श में कुछ शहीदों के प्रति ऐसी भावना को मोटिवेट करना जिससे कि वो शहीदों के प्रति मन से ही अपना सम्मान दिखाए, या जैसे कि कोई जो शहीद वगैरह हो रहे हैं उनके लिए उनके पीछे चलते हुए उनके जैसा बनना चाहिए। जैसे कि अभी हो रहा है कि जैसे कोई शहीद होता है तो जैसे अभी हुआ था अभिनंदन के केस में, तो वहाँ पे क्या था कि उसके अकॉर्डिंग होना तो ये चाहिए था कि हमारे जो युवा हैं वो जाएं कि भाई हमें देश सेवा करनी है, लेकिन ऐसा नहीं हो गया। सब उनके स्टाइल को कॉपी कर रहे थे, जैसे उनकी मूछों का स्टाइल था उसको कॉपी कर रहे थे। तो सही तो श्रद्धांजलि का फिल्म की नज़र में क्या है डॉक्टर विमल दहिया? जैसे अभी दो युवा लड़कियों ने बताया कि श्रद्धांजलि दिवस है, लेकिन श्रद्धांजलि दिवस में लोग फूल अर्पित करके अपने मन को खुश कर लेते हैं, परंतु इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए दृढ़ निश्चय ले कि जैसे भी हमारे देश के अंदर बॉर्डर पर जो रक्षा करने के लिए शहीद हुए हैं उनके बच्चों के भविष्य के बारे में भी जागरूक करें। सरकार ने अभी बहुत कम फायदा दिया है, हम तो ये सोचते हैं कि उनके बच्चों के लिए आजीवन के लिए कोई ऐसी योजना बनाई जाए कि हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी सब जो शहीद हुए हैं उनकी संतान को पूरा प्रॉफिट सरकार से मिले। और साथ साथ दीक्षा दीक्षा बेटा जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छा, जय हिंद जय भारत। एक ऐसी महिला जो पिछले 22 वर्षों से समाज में एक ऐसा कार्य कर रही है जो लोग देखकर भी देखते हैं। इन्होंने लगभग 200 महिलाओं और लड़कियों को सिलाई सिखाकर अपने पैरों पर खड़ा किया है, समाज में लड़ने की ताकत दी है और खुद भी अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार की आजीविका चला रही हैं। ऐसी महिलाएं जो पर्दे के पीछे रहकर पुरुष से भी ज़्यादा कार्य करती हैं उनको कभी सम्मान नहीं मिलता, हमेशा हर वक्त। इस तरह की बहुत सी महिलाएं हैं जो घर की चार दीवारी में बंद होकर पिसती रहती हैं और उनका कार्य
शायद ही कोई देख पाता है। इसी कड़ी में गीता ऐसी महिला है जो पिछले 22 वर्षों से बागली क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं के लिए एक नया संदेश है। गीता, आपका आज इस शहीद श्रद्धांजलि सभा में क्या कहना है? मेरे श्रद्धा भारतवासियों की सबकी श्रद्धा है, भारत उनके लिए सब खुशी है। भारत माता की जय। सुनीता जी, आपका इस शहीद सम्मान श्रद्धांजलि कार्यक्रम के विषय में दो शब्द। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इन दो शब्दों में एक भाव भरा हुआ है देशभक्ति का। ज्यादा बोलना कोई जरूरी नहीं है, इंसान 100 शब्दों का एक शब्द में अपना भाव व्यक्त कर सकते हैं। एक बहुत बुजुर्ग समाज में अपना जीवन का चौथा पड़ाव है माता जी। माता जी, आपका शहीद श्रद्धांजलि के विषय में क्या कहना है? श्रद्धांजलि के बारे में यही कहना है भाई, जो शहीद हुए हैं उनको सेवा तन मन से करो और उनकी मदद और उनके बच्चों की सहायता करो। जय भारत। जय भारत। जय माता। जय। जो शहीद हुए हैं उन परिवारों की सेवा करो, उनका सम्मान करो, यथासंभव उनकी सहायता करो। आज पूजनीय माता जी का यही समाज को संदेश है। अब अभी एक सुशील, जिनका नाम सुशील है, बहुत ही उच्च शिक्षित, ITI टॉप मेरिट लिस्ट, 10th टॉप मेरिट लिस्ट, 12वीं क्लास टॉप, BA पास, बहुत ही उच्च शिक्षित, लेकिन एक हाउसवाइफ, अपने घर को अपने खून से सींच कर इन्होंने पालना की है, अपने बच्चों के लिए समर्पित एक जीवन जिया है। आज इन्हीं की मेहनत से इनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं। ऐसी महिला जो पर्दे के पीछे रहकर समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य करती हैं, आज इस श्रद्धांजलि सभा में आपको दो विचार। मैं आज सभी देशवासियों से, अपने भाई बहनों से यही कहना चाहूंगी कि जिन शहीदों ने, जो हमारे भारत माता के पुत्र हैं, हमारे भाई हैं, जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके परिवार का, उनके बच्चों का, सबका उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल अच्छी तरह करना चाहिए। बस मैं आपसे यही कहूंगी, भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। भारत माता की जय। इन तीन शब्दों में एक ही सार, समर्पित भाव, देश भक्ति का भाव। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। समाचार क्यारी के बादली कार्यालय में शहीदी दिवस के अवसर पर आज शहीदों के सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण महिलाएं और बुजुर्गों, बच्चों ने, सबने मिलकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हमारे साथ ग्रामीण महिलाएं हैं, कुछ शहीदी दिवस के विषय में उनसे उनके विचार जानते हैं। मंगला जी, आइए इनसे जानते हैं शहीदी दिवस के विषय में इनके विचार। भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान। जिस तरह हमारे जवान हैं, उसी तरह किसान भी हमारे देश के एक किस्म के रक्षक ही होते हैं। जवान जो हमारे पुलवामा में शहीद हुए हैं, उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। ग्रामीण महिलाओं की कड़ी में हमारे साथ हैं श्रीमती राजबाला जी, इनसे जानते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद।